वेलकम टू रेसिपी ऑनो। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए गार्लिक ब्रेड बनाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और जानिएगा कि आप घर पर कितनी आसानी से गार्लिक ब्रेड को बना सकते हैं। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको गार्लिक ब्रेड कैसी लगी। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बगल में जो घंटी है यानी बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए गार्लिक ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदा लेंगे, तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है और ग्राम में ये 240 ग्राम है। इसमें हम ड्राई इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे 2 चम्मच यानी 2 टीस्पून। ऊपर से बिल्कुल फ्लैट करके लेना है इसे। अब इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डाल रहे हैं यानी शुगर डाल रहे हैं। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे यानी 1 टीस्पून। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जिसे रेड चिली फ्लेक्स कहते हैं। इसमें हम पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे 1 चम्मच के लगभग। अगर आपके पास ये है तो इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मिक्स हर्ब जो आता है सीजनिंग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच के लगभग डाल देते हैं। अब इसे भी अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम गार्लिक डालने वाले हैं यानी लहसुन डालने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लहसुन को एकदम बारीक काट लिया है, इसे हम 2 चम्मच डालेंगे। अगर आपके पास लहसुन का पिसा हुआ जो पाउडर आता है वो है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ एकदम फ्रेश लहसुन यूज़ किया है। अब इसमें हम 4 चम्मच बटर डाल रहे हैं। अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा पसंद है या एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप उसे थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है। अब मैंने गुनगुना पानी लिया है जो हल्का सा गर्म है और इसे डालकर हम अच्छे से डो सान लेंगे। डो हल्का सा मेरा जो है वो हल्का सा गीला है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम 1 से 2 चम्मच बटर डालेंगे और इसे एकदम चिकना करेंगे। तो यहाँ जो डो है ये बिल्कुल चिकना हो गया है। हाथ पर मैंने थोड़ा सा और बटर लिया है और थोड़ा सा और इसे चिकना कर लेते हैं। तो ये जो डो है ये बिल्कुल तैयार है, पर अभी हम गार्लिक ब्रेड नहीं बनाएंगे, इसे हम रखेंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो मैंने बाउल में थोड़ा सा और बटर डाला है और डो पर अच्छे से लगा लिया है। आप इसे किसी भी गीले कपड़े से ढक सकते हैं, नहीं तो इस तरह का जो क्लिंजिंग रैप आता है जिसे रैपिंग शीट भी कहते हैं उससे भी इसे कवर करके रख दें लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए, या तब तक जब तक आपका जो डो है वो साइज़ में बिल्कुल डबल ना हो जाए। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे माइक्रोवेव या अवन या जहाँ थोड़ा अंधेरा हो वहाँ इसे रखें। तो आप देख सकते हैं कि डो साइज़ में बिल्कुल डबल हो गया है। तो इसमें हम पंच मारते हैं और एयर को निकाल देते हैं। अब मैंने सरफेस पे थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़का है, डो को निकाल लेंगे और इसे एक बार फिर से चिकना कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से आपको करना है। तो यहाँ डो बिल्कुल चिकना हो गया है, इसे हम 2 इक्वल पार्ट में काट लेते हैं। तो यहाँ 2 बड़ी लोई बनकर बिल्कुल तैयार है, यानी आप 2 गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं इतने डो में। लोई को मैंने एकदम चिकना कर लिया है। मैंने थोड़ा सा फिर से सरफेस पे सूखा आटा डाला है यानी मैदा डाला है और इसे हम बेलेंगे। आप चाहें तो हाथ से दबा दबा कर इसे अच्छे से बड़ा कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ बेलन का यूज़ किया है। इसे थोड़ा लंबा और गोल में बेलना है, जैसे ओवल शेप होता है उस शेप में आपको इसे बेलना है। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और थोड़ा लंबा बेला है और हल्का सा मोटा बेला है, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से बेल चुका है। आपको इसी तरह इसको फोल्ड करना है, पर अभी इसमें हम फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बटर लगाएंगे। तो यहाँ मैंने बटर लिया है और जो बचा हुआ लहसुन है लगभग 1 चम्मच के करीब इसे मैंने डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिलाकर हम इसकी ब्रशिंग कर देते हैं इसके ऊपर। आप ये ध्यान रखें बटर लगाते समय कि आपको किनारों पर बटर नहीं लगाना है, यानी जो साइड साइड में,
नहीं लगाना है, क्योंकि जब इसमें हम फिलिंग करेंगे और जब इसे मोड़ेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाए, इसके लिए आपको साइड में बटर नहीं लगाना है। अब मैंने यहाँ चीज़ लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दो तरह की चीज़ यूज़ की है, एक अमूल की और एक गो चीज़। आप चाहें तो एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और चीज़ आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा चीज़ डाला है। अब इसके ऊपर हम कॉर्न डालेंगे, ऑलिव डाल देते हैं। अगर आपके पास ऑलिव है तभी यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप इसे ना यूज़ करें। थोड़ा सा हम पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे और चिली फ्लेक्स डाल देते हैं इसके ऊपर। अब इसे हम अच्छे से फोल्ड करेंगे और दबा दबा कर अच्छे से सील कर देंगे। आप चाहें तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, पहले पानी लगाएं उसके बाद फोल्ड करके अच्छे से दबा दें। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम ट्रे पे रख देते हैं। मैंने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर पहले से प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री पर। अब इसके ऊपर बचा हुआ बटर लगा देंगे। अगर आपके पास OTG या ओवन है तो उसे भी आप प्री हीट कर लें। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देते हैं और उसके बाद इसके ऊपर हम कट लगाएंगे। आपने मार्केट में जो गार्लिक ब्रेड खाई होगी उस पर इस तरह का कट होता है, तो आपको ये कट नीचे तक नहीं लगाना है, बस ऊपर ऊपर लगाना है। तो ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ मेरा जो माइक्रोवेव है ये पहले से प्री हीट है। अब हम लो रैक पर ट्रे रखेंगे और इसे बंद कर देते हैं। कन्वेक्शन का बटन प्रेस करेंगे, 180 डिग्री पर लगभग 15 मिनट टाइम देंगे। स्टार्ट कर देते हैं। पंद्रह मिनट हो चुका है, तो एक बार हम फिर से इसे बेक करने वाले हैं। तो हम फिर से कन्वेक्शन का बटन प्रेस करेंगे। इस बार इसे हम 200 डिग्री पर बेक करेंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने इसलिए किया है जिससे गार्लिक ब्रेड का कलर बहुत अच्छा आए और वो बहुत ही अच्छे से बेक हो जाए। तो यहाँ गार्लिक ब्रेड बनकर बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। और ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, पर इसे हम आपको काट कर दिखाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो इस बार आप भी अपने घर में इस गार्लिक ब्रेड को ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ मैंने इसे हल्का सा काट लिया है, अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये। और आप देख सकते हैं कि अंदर से जो चीज़ है वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है और बहुत ही ज़्यादा ये गर्म है। तो इस ब्रेड को आप ट्राई करें। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रेड कितनी ज़्यादा टेस्टी है और घर पर कितनी आसानी से बन जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये गार्लिक ब्रेड की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।